नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज के मार्केट का सुपरस्टार स्टॉक जी एंटरटेनमेंट के शेयर के बारे में, जहां पे 40% की तूफानी तेजी जो है आज के दिन कहीं ना कहीं देखने को मिली। और जिस तरीके से आज ये स्टॉक, जिस वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज ऊपर गया है दोस्तों, वाकई में यहाँ पे बहुत से लोगों के जो पैसे बने तो होंगे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बना के रखी होगी वो बुरी तरीके से आज के दिन यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट पे आज आपको एक लॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है 261 के आसपास स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो आज फाइनल आते हुए दिखाई दी है। और आप यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो 218 मिलियन शेयर्स के ऑलमोस्ट वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे 17 मिलियन के आसपास के चलते थे, उसके मुकाबले यहाँ पे 10 टाइम्स से ज़्यादा वॉल्यूम जो है आज के दिन आते हुए दिखाई दिए। कि तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग होते हुए दिखाई दिए। 5%, 10%, 15%, 20% समझ में आता है, यहाँ पे 40% का एक शानदार उछाल देखने को मिला है। और अगर आज के हाई की बात करें तो 270 के ऊपर भी स्टॉक एक वक्त जाता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं 40-45% की तेजी के बाद यहाँ पे जो स्टॉक है वो 40% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात करेंगे कि बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ही दिन में वो सारे के सारे लेवल काट दिए जो कि यहाँ पिछले लगभग साल भर से ये कंसोलिडेशन के लेवल के आसपास में चल रहा था। 250 का जो लेवल था वो आप यहाँ पे अगर नजर डालेंगे तो 250 रुपए के लेवल के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस था। और उसका और ये लगभग लगभग फरवरी के महीने में बना था, और उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट थी और ये लगभग 160-170 रुपए की रेंज के आसपास जाकर सपोर्ट लिया। और पिछले अगर आप यहाँ पे कुछ दिनों का ट्रेंड देखते हैं तो 170 रुपए के आसपास से स्टॉक घूमना चालू हुआ, और आज के दिन यहाँ पे फाइनली एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद एक सस्टेन बाइंग जो थी वो दिन भर यहाँ पे चलती हुई दिखती है। अगर आप यहाँ पे इसको मिनट के चार्ट्स पे भी जाके देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है उसके बाद लगातार यहाँ पे सर्किट के लगने के सिलसिले जो थे वो चालू होते दिखाई देते हैं। और उसके बाद भी इस स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई खास करेक्शन नीचे की तरफ देखने नहीं मिलती, और लगातार दिन भर ये स्टॉक अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई देता है। इसको अगर आप थोड़े बड़े चार्ट पे भी देखें, 10 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिन भर एक सस्टेन बाइंग जो थी वो आज यहाँ पे होती हुई दिखाई दी। फाइनल क्लोजिंग 261 यानी कि जो 250 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर आते हुए दिखाई दी। तो क्या अब यहाँ पे ये स्टॉक और भी बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जिनके ऊपर आपकी एटलीस्ट नजर होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपकी खरीदारी निचले लेवल्स की है तो आप यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल 250-240, क्योंकि 40% की अगर तेजी हुई है तो यहाँ से 5-10% स्टॉक में करेक्शन आना उतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 230-240 का वो एक लेवल माना जा सकता है जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं आप। अगर इसको थोड़ा और नीचे के रेजिस्टेंस को आप देखने की कोशिश करें, जो पहले पार हुआ वो 230 के आसपास का था और फिर जो बड़ा रेजिस्टेंस था वो 250 के आसपास था, तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल थे जिसके ऊपर जाके आज यहाँ पे स्टॉक में क्लोजिंग आते हुए दिख रही है। तो 230 से 250 एक सपोर्ट रेंज हो सकती है कि यहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 230 के साथ नीचे में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस एक प्लेस कर सकते हैं कि अगर इसके नीचे जाता है तो आप पोजिशन से एग्जिट होता, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योर रहे और पूरा प्रॉफिट आपका जाए नहीं। लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है और भी ऊपर के लेवल्स अगर ये दिखाता है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया जिस वॉल्यूम्स के साथ, तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेलिंग करते जाए और 250 के आसपास रख ले, ताकि आपका एटलीस्ट प्रॉफिट जो है 250 का आपका सिक्योर हो जाए। तो वो एक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 40% की तेजी रेयरली ही देखने को मिलती है, तो इतनी तेजी के बाद 5-10% के प्लस माइनस मूव तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। लेकिन अगर यहाँ पे किसी की खरीदारी ऊपरी भाव की होगी, जो कि डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो 2018 के आसपास 600 के आसपास कामकाज करता था, और उसके बाद से यहाँ पे करेक्शन का जो बेरिश ट्रेंड चालू हुआ, तो पिछले साल जिस तरीके से इस स्टॉक ने लगभग 120 रुपए के आसपास तक के लो बनाए थे, तो पिछले साल से इस साल तक अभी कोई खास रिटर्न ढंग से देखने नहीं मिला। लेकिन आज जिस तरीके की तेजी हुई, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के पूरे संकेत दे रहा है।
200 DMA लेवल भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं जब इसके, तो एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है वो आज के दिन पूरी तरीके से पार होती हुई दिखाई दी है, और उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त बाइंग जो है यहाँ पे हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े बड़े फंड्स ने भी बाइंग की होगी, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी आपको जो है मार्केट में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर ये जिस तरीके से लेवल पार हुआ है, तो नियर टर्म में आपको 300 से लेके 350 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये कितने जल्दी आएंगे इसे अभी कहना आसान नहीं होगा, हो सकता है आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर का भी वक्त लगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये टारगेट्स अगर ये कंटिन्यू होता है, तो आपको इस लेवल तक के मिनिमम टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज जो ये तेजी आती हुई दिखाई दी, इसका सबसे बड़ा जो रीजन था एक न्यूज के दम पे, कि यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का जो शेयर था उछलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने यहाँ पे उनके जो CEO पुनीत गोयनका, उनके रिमूवल की मांग की है, उनको हटाने की मांग की है, जिसके कारण फिर ये जो शेयर है वो कहीं ना कहीं इतनी तेजी से उछलता हुआ दिखाई दिया है। जब हम आज के डेटा भी देखते हैं यहाँ पे, तो आज के यहाँ पे डेटा में आपको देखने मिला 40% का उछाल, वॉल्यूम जो होते हुए दिखाई, लगभग लगभग 21 करोड़ 84 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए। तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यू के साथ यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखाई दी है। 3 बजे तक के अगर आंकड़े के हिसाब से आप देखते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, 6 करोड़ 37 लाख शेयर जो है वो डिलीवरी उठाई गई है 19 करोड़ शेयरों में, जो कि लगभग 3 बजे तक हुई थी। और 33% का डिलीवरी परसेंटेज, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज कहा जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड हुई है 6 साढ़े 6 करोड़ शेयर कम नहीं होते, बहुत ही जबरदस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और डेटा देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि डेरिवेटिव डेटा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेरिवेटिव डेटा में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे जो मोमेंट है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40% का उछाल देखने मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे जो टोटल शेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट 8 करोड़ 78 लाख शेयरों की पोजीशन बनी, जिसमें से आज ही के दिन 1 करोड़ 23 लाख शेयरों से ज़्यादा की नई ओपन इंटरेस्ट ऐड हुई है, और 16% का बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पे होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ पे 84,800 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 6,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक F&O के बैन में भी स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे 100% से ज़्यादा की पोजीशन बनी हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, कि नई पोजीशन मार्केट में नहीं बन सकती, या तो लोग सिर्फ अपनी पोजीशन काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मार्केट पे थोड़ा इफेक्ट इसके ऊपर डालते हुए दिखाई दे रही थी। तो अच्छी खासी यहाँ पे जो तेजी है वो आज के दिन फाइनली बनते हुए दिखाई दी। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि कल ये स्टॉक किस लेवल पे खुलता है। अगर ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे खुलने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, ताकि आपका प्रॉफिट ऑलवेज प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में तेजी में पैसे कमाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये है कि आप अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई वॉलीटिलिटी आती है तो आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी जो खरीदारी है, क्योंकि यहाँ पे आपको गैप भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में 190 रुपये से लगभग 205 रुपये के आसपास का, तो ये गैप एक लॉन्ग टर्म गैप बनता है या फिर ये गैप फिल होगा, ये कब फिल होगा, इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके का आज वॉल्यूम आया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेंथ जो है इस स्टॉक में शो कर रहा है, और ये लगभग लगभग आप देखेंगे तो पिछले 6-8 महीनों की जितनी गिरावट थी वो पूरी की पूरी गिरावट एक कैंडल में यहाँ पे कवर होती हुई दिखाई दी है, और उसके ऊपर ब्रेकआउट जो आया है ये एक बहुत ही शानदार दर्शाता है कि यहाँ पे स्टॉक में किस लेवल की जो बाइंग है वो आज के दिन होते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।